गुजरात विधानसभा चुनाव में जामनगर नॉर्थ सीट की चर्चा सब तरफ है। इसकी वजह है टीम इंडिया के क्रिकेटर रविंद्र जडेजा, जिन्हें प्रशंसक सर जडेजा कहते हैं। रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा जामनगर नॉर्थ विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं और दूसरी तरफ जडेजा की बहन नैना जडेजा उनके विरोध में कांग्रेस से खड़ी हैं। गुजरात में T20 की तरह रोचक हुए मुकाबले में सर जडेजा भी जोर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी रिवाबा जडेजा अटैक करेंगी, मैं डिफेंसिव रहूंगा। जामनगर की जनता क्या किसको अपना आशीर्वाद देगी, इसका पता 8 दिसंबर को चलेगा। लेकिन रिवाबा जडेजा ट्विटर पर एक पोल करके फंस गई हैं। रिवाबा ने लोगों से ट्विटर पर पोल करके पूछा था कि गुजरात विधानसभा में किसकी जीत होगी। इस पोल पर करीब 6,428 लोगों ने वोट किया, जिनमें से 68% लोगों ने आम आदमी पार्टी का नाम लिया, तो वहीं 22% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और 10% लोगों ने कांग्रेस की जीत की संभावना जताई। रिवाबा जडेजा के इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट अब सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि @rivababjp नाम से बने इस हैंडल पर यह पोल अब दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसके स्क्रीनशॉट वायरल हो चुके हैं। रिवाबा जडेजा के नाम से ये अकाउंट मार्च 2022 में बना था। जामनगर उत्तर की सीट से लड़ रही रिवाबा जडेजा ने हाल ही में नवभारत टाइम्स ऑनलाइन को दिए अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला था। एक सवाल के जवाब में रिवाबा जडेजा ने कहा था कि आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया की पार्टी है। आम आदमी पार्टी का अस्तित्व सोशल मीडिया पर ही है, जमीन पर नहीं। रिवाबा ने कहा था कि असली हीरो मोदी जी ही हैं। गुजरात में जस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से एंट्री की है। एक्चुअली ग्राउंड फील्ड में वर्क करना, एक्चुअली ग्राउंड फील्ड में लोगों के प्रश्न को समझना, ये उनके लिए संभवित नहीं है। तो गुजरात की जनता ने आज तक ट्राइपोलर जो इलेक्शन मोड है उनको कभी स्वीकार किया ही नहीं है। रिवाबा जिस सीट से चुनाव लड़ रही हैं उस पर 2017 में धर्मेंद्र सिंह जडेजा ने जीत हासिल की थी, लेकिन पार्टी ने इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया, बल्कि उनकी जगह रिवाबा को मैदान में उतारा गया है। बता दें कि गुजरात में विधानसभा की कुल सीटें हैं 182। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 99 और कांग्रेस को 77 सीटें हासिल हुई थी। 2 सीटों पर BTP के उम्मीदवार जीते और 3 सीटें निर्दलीय को मिली थी। गुजरात में पिछले 27 सालों से बीजेपी सत्ता में है। बीजेपी कांग्रेस के चुनावी समर वाले राज्य में पहली बार आम आदमी पार्टी एक बड़ा संगठन बनाकर उतरी है, चुनाव लड़ रही है। गुजरात विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा है 92 सीटों का। जो तमाम सीटें इस बार चर्चा में हैं उन्हीं में से एक सीट है जामनगर नॉर्थ, क्योंकि यहां से रिवाबा चुनाव लड़ रही हैं और रिवाबा के सामने हैं उन्हीं की ननद नैना कांग्रेस के टिकट पर। रिवाबा लगातार चुनावी मैदान में एक्टिव हैं। तमाम लोग ऐसे भी हैं जामनगर में जो कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से रिवाबा लगातार सोशली एक्टिव रही हैं, लेकिन इसी बीच पूरे चुनाव प्रचार के बीच एक पोल रिवाबा के लिए मुसीबत बन गया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।